करते हुए लाठीचार्ज से बीजेपी विधायकों ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया, जिसके बाद सत्ता पक्ष की ओर से जेएमएम विधायक सुदिव्य सोनू और आरजेडी विधायक सत्यानंद भोक्ता ने पलटवार किया है। को अपने जूते तले दबाकर लोकतंत्र की आवाज को किसने दबाया, ये तमाम काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं और ये आज झूठ का चोला ओढ़कर जो कह रहे हैं, फुटेज देख लें, जब बैरिकेड तोड़े जा रहे थे पुलिस कर्मियों से हाथापाई हो रही थी तो क्या वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन था? आज अगर ये अपने राजनीतिक लाभ के लिए प्रदेश को बंधक बनाना चाहते हैं तो मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि झारखंड में कानून का शासन चलेगा, झारखंड भीड़ तंत्र के हवाले नहीं होगा। हम गारंटी परमिशन उन्होंने लिया नहीं और अनुशासन तरीके ढंग से करना चाहिए, ऐसे तड़प रहे थे लगभग विधानसभा में घुस जाएंगे, तो सरकार चलती है नियम और कानून से, किसी कहने पर नहीं चलती है, इसलिए मर्यादा में रह करके लोकतंत्र में सबको विरोध करना चाहिए और ये कोई नई चीज़ नहीं है, तो पारा टीचर हो, आंगनबाड़ी हो, सहायिका सेविका हो, होमगार्ड हो, बहुत इन लोगों ने अपने शासन में पिटवाया था, ये कोई नया चीज़ नहीं है।